हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब? आज हमें आपके साथ अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कुछ टॉपिक्स अब लेने हैं हमें। उन टॉपिक में हमारा सबसे पहला टॉपिक आता है, दैट इज विजन। जब भी हम आईसीआई के स्टडी मटेरियल या फिर हम स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के सब्जेक्ट हो, जितनी बार भी हम पढ़ते हैं, तो कुछ टॉपिक हमेशा इकट्ठे ही आते हैं। अब इसका मतलब क्या है इकट्ठे का? दैट इज जब भी आप विजन बोलेंगे तो उसके साथ कुछ टॉपिक आपको इकट्ठे ही पढ़ने हैं। पहला विजन, नेक्स्ट है आपका जैसे मिशन, फिर आपको एक टॉपिक और एक तरीके से मिलेगा, दैट इज ऑब्जेक्टिव्स एंड गोल्स। तो इसी तरीके से हम भी अब आपके इन्हीं चार टॉपिक को पहले वन बाय वन करके डिस्कस करेंगे, एंड देन फिर इन चारों टॉपिक में आपस में क्या लिंकिंग है इसको भी हम समझेंगे। हर तरीके से 100% की कवरेज करनी है हमें, तो हर एक टॉपिक से रिलेटेड जहां जहां आज तक आईसीआई ने कहीं पर भी मॉक टेस्ट के अंदर, पास्ट ईयर पेपर्स के अंदर जितने क्वेश्चंस आज तक पूछे हैं, या प्रैक्टिस मैनुअल के अंदर जितने क्वेश्चंस हैं, हम सब आने वाले लेक्चर्स में कंसेप्ट वाइज सबको क्लियर कर लेंगे। और ये लेक्चर्स आपके ओल्ड सिलेबस और न्यू सिलेबस सबके लिए अवेलेबल है और सबको ही ये देखने हैं। ओल्ड सिलेबस के लिए भी है ये कंसेप्ट आपका, और न्यू सिलेबस के स्टूडेंट्स के लिए भी ये कंसेप्ट है, यानी कि न्यू सिलेबस के स्टूडेंट्स को भी ये कंसेप्ट पढ़ना है। तो आज की हमारी डिस्कशन चलती है विजन पर। तो हम विजन में क्या क्या पढ़ेंगे सबसे पहले ये जानते हैं। तो नो डाउट सबसे पहले हमें मीनिंग समझना है कि विजन का मीनिंग क्या है। लेमैन लैंग्वेज में, आसान भाषा में हम विजन किसको कहेंगे, और स्टडी मटेरियल में या प्रैक्टिस मैनुअल में जो वर्डिंग दे रखी है, हमें एग्जाम में क्या लिखनी है उसको भी माइंड में सेट करने की लेक्चर के साथ साथ कोशिश कर लेंगे। क्योंकि हमारा मेन टारगेट क्या है कि एग्जाम को अच्छे से क्लियर करना, और साथ में इतनी नॉलेज कंसेप्ट की रखें ताकि पेपर में अपनी कंसेप्ट को हम ये बोल सकें कि हमारा कंसेप्ट भी स्ट्रोंग है, और हमारे एग्जाम में मेन फोकस स्टडी मटेरियल की लिंकिंग का है, रहता है कि वर्डिंग हमें वही लिखें जिसमें एग्जाम के अंदर हमें मार्क्स मिल जाए, जिसे एग्जामिनर खुश होकर हमें नंबर दे दे। और खुश होकर यदि एग्जामिनर नंबर दे देगा तो हम आराम से आईसीआई के क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग पास भी आराम से हो जाएंगे। तो पहला हमें टॉपिक करना है विजन के अंदर मीनिंग, एंड देन फिर हम एग्जाम्पल लेंगे। एग्जाम्पल के बाद हम फीचर्स करेंगे। विजन में पहला टॉपिक मीनिंग, सेकंड है आपका फीचर्स, ले लो एग्जाम्पल ले लो कैसी भी ले सकते हो, तो सेकंड फीचर्स, थर्ड है आपका एग्जाम्पल। फिर हम करेंगे इसके टॉपिक के अंदर पर्पस, दैट इज पर्पस ऑफ विजन। विजन का क्या उद्देश्य है? उद्देश्य दैट मीन्स, देखो ऑब्जेक्टिव नहीं कहेंगे, हम विजन बनाते क्यों है, तो इस तरीके की वर्डिंग रहेगी। नेक्स्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान सुन लेना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज एलिमेंट्स ऑफ विजन या स्ट्रेटेजिक विजन, ठीक है। एंड देन फिर हम सिक्स में और सभी तरह के सारे एक्स्ट्रा क्वेश्चन। एक्स्ट्रा क्वेश्चन का मीनिंग मेरा वही कि जहां पर भी आज तक जितने क्वेश्चंस विजन के ऊपर आए हुए हैं वो सब हम यहाँ पर ही डिस्कस कर लेंगे। सारे प्रैक्टिस मैनुअल के क्वेश्चन, सारे पास्ट ईयर के पेपर के क्वेश्चन, हर तरीके के क्वेश्चन यहीं पर हम डिस्कस करेंगे। तो मेरा विजन का टॉपिक इन छह पार्ट्स के अंदर बटा हुआ है कि मीनिंग, एग्जाम्पल, फीचर्स, पर्पस, एलिमेंट्स एंड एक्स्ट्रा क्वेश्चन। यदि कोई स्टूडेंट इन छह टॉपिक को इकट्ठा कर जाता है तो मैं 100% कह सकती हूँ कि आपका यदि कोई क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो इससे बाहर नहीं आ पाएगा। क्यों? क्योंकि हम 100% अपने कंसेप्ट को करके जा रहे हैं, अटेम्प्टेशन सीख के जाएंगे, प्रेजेंटेशन सीख के जाएंगे, तो क्वेश्चन ही नहीं होता कि हम पेपर में उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट ना कर पाए। तो चलिए सबसे पहले हम टॉपिक पे चलते हैं आपके साथ, मीनिंग को डिस्कस करेंगे, विजन होता क्या है। एक लेमैन लैंग्वेज में, एक बहुत आसान भाषा में यदि मैं विजन को बोलूं तो सिंपल इतना कि आपकी दृष्टिकोण, आप आउटलुक, आपकी सोच कहाँ तक जाती है। इसका मीनिंग है कि एक व्यक्ति क्या सोचता
सोचता है कहाँ तक दूरी तक, किस दूरी तक वो अपने आप को कहाँ देख पाता है, उसको बोलते हैं विजन। सिंपल समझ में आया? आप अपने आप को कहाँ देखना पसंद करोगे, जहां अपने आप को आप देखते हो और आपको विश्वास है कि मैं वहां पर पहुंच जाऊं, दैट इज कॉल्ड द विजन। आपके लिए ये आसान भाषा में विजन को ऐसे समझ लीजिए, इससे आपका कंसेप्ट पे पकड़ आ जाएगी। मैं वो टॉपिक इस तरीके से आपको एक्सप्लेन करूंगी जिससे आपके माइंड के अंदर वो सेट हो जाए। मुझे मैटर नहीं करता है कि आपको किस तरीके से कौन सा कॉर्पोरेट का एग्जाम्पल देना है या नहीं देना है, मुझे सिर्फ एक टारगेट है कि मैं किसी तरीके से आईसेक स्टडी मटेरियल आपके माइंड के अंदर मैं सेट कर दूँ और साथ में कंसेप्ट को भी मैं पढ़ा दूँ। तो मीनिंग आपको लेमन लैंग्वेज में क्लियर हुआ कि आपकी जहां तक मैक्सिमम लेवल पे आपकी थिंकिंग, आपकी सोच, आपकी दृष्टि जाती है, उसको हम बोलते हैं विजन। तो ऑर्गेनाइजेशन में हम क्या करेंगे विजन के बारे में? तो ऑर्गेनाइजेशन में भी यही है कि हम क्या बनना चाहते हैं, व्हाट वी वॉन्ट टू बी, व्हाट वी वॉन्ट टू बी इन अ नियर फ्यूचर, जो हम बनना चाहते हैं वही आपका विजन है। बस इतनी सी बात है, जो हम बनना चाहते हैं वही विजन कहलाता है इन द कंटेक्स्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, इन द कंटेक्स्ट ऑफ द बिजनेस। पहली वर्डिंग क्लियर हुई? सबसे पहली बात, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्यों इंपॉर्टेंट टॉपिक है? आपने यदि पहले के लेक्चर देखे हैं या आप बाद में देखोगे तो वहां पर एक बार फोकस करना, या अब तक आपने कहीं पर भी एसएम पढ़ा है तो वहां फोकस करेंगे। क्या चीज? जब भी आप कोई भी कॉर्पोरेट स्ट्रेटेजी की प्रोसेस ले लो, कॉर्पोरेट स्ट्रेटेजी की प्रोसेस ले लो, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का मॉडल, प्रोसेस, टास्क कुछ भी ले लो, उसके अंदर सबसे पहला टॉपिक होता है डेवलप अ विजन। आपको विजन को डेवलप करना है, तो आपको जब तक मीनिंग ही नहीं क्लियर होगा कि विजन होता क्या है, तो डेवलप करने की बात तो छोड़ ही दो। तो ये डेवलप करने का मतलब क्या है, विजन बनाने का मतलब क्या है, आप चाहते क्या हो, ऑर्गेनाइजेशन आपने क्यों इस्टेब्लिश की है, आपका फ्यूचर में आप कहाँ जाना चाहते हो, क्या बनना चाहते हो, वो कहलाता है विजन। आई होप आपको ये वर्डिंग क्लियर हुई। व्हाट वी वॉन्ट टू बी इज कॉल्ड द विजन, यानी कि फ्यूचर में हम क्या बनना चाहते हैं उसको हम कहते हैं विजन। तो विजन क्या है? आपका रोड मैप है किसका? कंपनी के फ्यूचर का। रोड मैप है किसका? कंपनी के फ्यूचर का। क्लियर है कहानी? यहाँ तक समझ में आए? तीन चीजें मैंने बोली सबसे पहले कि आपका विजन काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि जहां पर भी आप किसी भी प्रोसेस की बात करोगे, कॉर्पोरेट स्ट्रेटेजी प्रोसेस, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट प्रोसेस या मॉडल की, वहां पर सबसे पहला प्रोसेस की सबसे पहली स्टेज विजन को डेवलप करना होता है। इसलिए हमें विजन का मीनिंग अपने माइंड के थॉट के अंदर भी और क्या हमें इसके अंदर पेपर में लिखना है, दोनों बातों को क्लियर करना होगा। सेकंड मैंने बोला आपको कि विजन एक्चुअली में ऑर्गेनाइजेशन के लिए व्हाट वी वांट टू बी ही है, मतलब आप क्या बनना चाहते हो इन अ नियर फ्यूचर। अब यानी कि हम कह सकते हैं थर्ड टाइप पे कि रोड मैप ऑफ अ कंपनीज फ्यूचर इज कॉल्ड द विजन। यहां तक बात क्लियर हो गई? तो हम अब आगे चलते हैं आपके मीनिंग पे कि इस मीनिंग में तीन वर्डिंग जो मैंने आपको डिस्कस की वो किस तरीके से आपको एग्जाम के अंदर अब लिखनी है। तो जब हम बोलते हैं रोड मैप ऑफ अ कंपनीज फ्यूचर, क्या इस लाइन जो डिस्कशन है क्या वो वहीं तक रहेगी, क्या हमें आगे और एक्सप्लेन करना है? बिल्कुल, थोड़ी सी बातें और एक्सप्लेन करेंगे। देखिए कैसे लिखना आपको एग्जाम में, ये वर्डिंग यदि आप पकड़ सको तो बहुत अच्छी बात है। यहाँ पढ़ते हैं क्या लिखना, पेपर की वर्डिंग है ये, मेरी दी हुई वर्डिंग कहीं नहीं है, आपकी स्टडी मटेरियल प्रैक्टिस मैनुअल से वर्डिंग उठाई हुई है। तो सबसे पहला, विजन इज अ रोड मैप ऑफ कंपनीज फ्यूचर। कंपनी के फ्यूचर का क्या है ये, नक्शा कह लो, रोड मैप कह लो। क्या प्रोवाइड करता है भाई? प्रोवाइडिंग द डिटेल्स अबाउट द टेक्नोलॉजी, पहली बात, कस्टमर फोकस, आपकी टेक्नोलॉजी कैसी रहेगी, आप एडवांस टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हो, लेबर इंटेंसिव टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हो, कैपिटल इंटेंसिव टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हो। विजन के अंदर कंपनी के फ्यूचर का जो रोड मैप होगा, इसका मतलब डायरेक्शन, कंपनी किस तरीके से आगे बढ़ेगी, वो सब चीजें विजन के अंदर हम शामिल करते हैं। तो जब डायरेक्शन हम देते हैं तो उसके अंदर हर तरह की चीज, कैसे कि कौन सी टेक्नोलॉजी आप यूज कर रहे हो, तो पहले वर्ड होगा टेक्नोलॉजी, पहला वर्ड क्या है, टेक्नोलॉजी आप कौन सी यूज कर रहे हो। सेकंड है कस्टमर पे फोकस, यानी कौन से कस्टमर को आप सिलेक्ट करेंगे, रिटेलर्स है, होलसेलर है, किस तरह से आप उनके साथ मैचअप कर कौन से कस्टमर तक आप पहुंचेंगे।
कस्टमर कई तरीके के, जैसे कि आप कंज्यूमर गुड्स की बात करोगे तो आपको खाने पीने की चीजों में फूड क्लोथ्स फूड पे जाना है, क्लोथ्स पे जाना है, अलग अलग तरह से आपका कौन सा कस्टमर का फोकस रहेगा। नेक्स्ट है फिर आपका एरिया, आपको कौन से एरिया को पहले कवर करना है या सब एरिया को एकदम ही एक ही बार में इकट्ठा कवर करना है, यानी जियोग्राफिक एंड कौन सा प्रोडक्ट मार्केट को आप लेंगे, आपकी कौन सी कैपेबिलिटी से आप किसको फोकस में लेके आएंगे, ये सब विजन की डायरेक्शन के अंदर आता है। और किस तरह की कंपनी मैनेजमेंट आप चाहते हो कि वो क्रिएट करके आपको देगी, दैट मीन्स काइंड ऑफ कंपनी दैट द मैनेजमेंट इज ट्राइंग टू क्रिएट, ये पूरी वर्डिंग विजन की है। सबसे पहले रोड मैप ऑफ अ कंपनीज फ्यूचर, प्रोवाइडिंग द डिटेल्स, डिटेल्स किसकी, कम से कम तीन चीजें तो जरूर याद रखना, टेक्नोलॉजी, कस्टमर फोकस, जियोग्राफिकल, प्रोडक्ट मार्केट कैपेबिलिटीज। आगे एक और रह गया, दैट इज काइंड ऑफ कंपनी दैट आर द मैनेजमेंट इज ट्राइंग टू क्रिएट। क्लियर होगी कहानी? तो विजन में सिर्फ इतनी थोड़ी सी छोटी सी बात कि रोड मैप है कंपनी फ्यूचर का, नेक्स्ट व्हाट वी वांट टू बी की बात करता है, थर्ड डायरेक्शंस देता है, किसको देता है, ऑर्गेनाइजेशन को। क्लियर होगी कहानी? चलिए तो मीनिंग यहीं से आपको यही वर्डिंग लिखनी है, ये स्टडी मटेरियल की वर्डिंग है, इसको ले लेंगे तो आपके नंबर बढ़ ही जाने हैं। तो मीनिंग हमने क्लियर कर लिया है, पहले हम फीचर्स की बात करते हैं क्योंकि हमने डिस्कशंस काफी फीचर्स से रिलेटेड की है, तो एक बार पढ़ देंगे। टॉपिक वही है, उसको लिखने की प्रेजेंटेशन मैंने बना रखी है कि आपको हेडिंग किस तरीके से डालनी है ताकि एग्जामिनर को हम अच्छे से खुश कर पाए कि देखिए हमारा पेपर देखो, अब हमें नंबर देना हक बनता है आपका, बस नंबर दो हमें अब। तो विजन इज अ फ्यूचर डायरेक्शन फॉर ऑर्गेनाइजेशन, बड़ी क्लियर है, आपका फ्यूचर से तो रिलेटेड है ही है, तो रिलेटेड टू द फ्यूचर। नेक्स्ट है विजन आपको इंस्पायर करता है, मोटिवेट करता है, क्यों? क्योंकि तो जब आप लॉन्ग टर्म के बारे में सोचते हैं कि मुझे जो बनना है, बार बार उसके बारे में सोचेंगे तो आप अंदर से आपको एक पावर मिलेगी कि मुझे ये इस लेवल पे पहुंचना ही पहुंचना है। तो विजन इज अ सोर्स ऑफ द इंस्पिरेशन। नेक्स्ट है ये वाली वर्डिंग हमने कर ली, व्हाट वी वांट टू बी इन अ फ्यूचर, आगे आपकी नेक्स्ट टाइम में यानी कि नेक्स्ट कमिंग इयर्स में आप क्या बनना चाहते हो, उससे रिलेटेड है आपका विजन। विजन कौन डेवलप करेगा? जिसने ऑर्गेनाइजेशन को बनाया है या ऑर्गेनाइजेशन के टॉप लेवल के मैनेजर्स ही विजन को हमेशा क्रिएट करते हैं। फीचर्स बहुत आसान थे, एक बार दोबारा से, फ्यूचर की डायरेक्शन देता है, फ्यूचर से रिलेटेड है, दोनों में क्या फर्क है, ये डायरेक्शन की बात करता है, डायरेक्शन का मतलब जो मैंने बोला अभी टेक्नोलॉजी के बारे में, कस्टमर फोकस के बारे में बोलता है, आपका प्रोडक्ट मार्केट के बारे में बोलता है, ये सब चीजें, ठीक है, ये सब चीजें आपकी यहाँ पर आती हैं। नेक्स्ट है आपका कि इंस्पिरेशन का सोर्स है यही विजन ही, आपको पूरा का पूरा मोटिवेट करता है कि आपको जो भी आपने टारगेट रखे हैं उनको अच्छे से अचीव करने के लिए आपको एक तरह से सोर्स देता है कि आप काम करें। नेक्स्ट व्हाट वी वांट टू बी, ये जो बोल्ड वर्डिंग आपको पेपर में लिखनी है, इसके बिना विजन में नंबर नहीं मिलने वाले। और कौन आपका इसको डेवलप करता है? टॉप लेवल आपके इनको विजन को डेवलप करते हैं। यहाँ तक वर्डिंग क्लियर हुई। अब मेरा थर्ड टॉपिक चलता है आपका एग्जाम्पल। एग्जाम्पल अभी एक लिया है, हम आगे एग्जाम्पल और भी लेंगे। यहाँ पर मैंने लिया है एग्जाम्पल आपका आईसीआई का। हमने कौन सा एग्जाम्पल लिया है? दैट इज आईसीआई का। आईसीआई का विजन क्या है? आईसीआई का विजन क्या है, इसका मतलब लंबे समय में उनकी सोच क्या है कि इंस्टीट्यूट ऑफ जो आपका चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया है उसको हम कहाँ तक लेके जाएंगे, मेन टारगेट क्या है। तो आपके आईसीआई का विजन लिखा भी हुआ है, जब आप उनके प्रोस्पेक्ट्स वगैरह को देखते हैं तो उनका विजन है कि वर्ल्ड की लार्जेस्ट यानी कि लीडिंग अकाउंटिंग बॉडी बनना। ये सबको पता होगा कि सेकंड लार्जेस्ट बॉडी तो हम पहले ही हैं, लेकिन वर्ल्ड की लीडिंग अकाउंटिंग बॉडी बनना हमारे आईसीआई का मेन प्रॉपर विजन है। साथ में ये भी काम है कि हम प्रोड्यूस करें वर्ल्ड क्लास अकाउंटिंग प्रोफेशनल, टैक्सेशन प्रोफेशनल। दोबारा से सुन लो, पहला वर्ल्ड लीडिंग अकाउंटिंग बॉडी बनना और साथ में ऐसे व्यक्तियों को प्रोड्यूस करना, समझ लो कि गाय भैंस बकरियों की तरह व्यक्तियों को नहीं देना है, ऐसे व्यक्ति को, ऐसे वर्ल्ड क्लास अकाउंटिंग एंड टैक्सेशनल प्रोफेशंस को प्रोड्यूस करना आईसीआई के विजन में है। जब इतनी बड़ी सोच कोई इंस्टीट्यूट रखता है तो समझ के देखिए, तभी तो हमारे इंस्टीट्यूट की इतनी अच्छी इमेज मार्केट में हमारी रहती है, जिसको हमें और बढ़ाना है। आईसीआई की इमेज को कम नहीं करना है, हमारे हाथ में ही है इसकी इमेज को बढ़ाना। तो फ्यूचर के सीए आप हो,
तो इसलिए आपके कंधों पर बहुत बड़ी जिम्मेवारी आएगी। इसके लिए आपको पहले अच्छे से अपने एग्जाम को क्लियर करना है, एंड देन फिर इसके बारे में आप बहुत डिटेल में अपना सोचना कि हम किस तरीके से अपने आईसी के विजन को पूरा करने में मदद हम कर सकते हैं। उनका टारगेट तो यही है कि वर्ल्ड की लीडिंग अकाउंटिंग बॉडी बनना एंड अकाउंटिंग एंड टैक्सेशनल्स के प्रोफेशनल्स को प्रोड्यूस करना, और ऐसे वैसे प्रोफेशनल्स को प्रोड्यूस नहीं करना है, वर्ल्ड क्लास अकाउंटिंग एंड टैक्सेशन प्रोफेशनल्स को प्रोड्यूस करना है। क्लियर होगी कहानी? तो देखो सबसे पहले एक बार पढ़ लेते हैं एक बारी आईसीआई विजन्स। यहाँ देखिए, वर्ल्ड्स लीडिंग अकाउंटिंग बॉडी बॉडी एंड प्रोड्यूसर प्रोड्यूसर वर्ल्ड क्लास, या प्रोड्यूस करता है वर्ल्ड क्लास अकाउंटिंग फाइनेंस एंड टैक्सेशनल प्रोफेशनल्स। तो ये एग्जाम्पल है, हम तीन चार एग्जाम्पल और भी लेंगे, बाद में लेंगे, लेकिन हमें अभी एग्जाम्पल यदि पेपर में आता है और इस तरीके से विजन में कोई क्वेश्चन आता है तो जरूर आईसीआई का विजन लिख के आएंगे। मैकडी का, आपका यूट्यूब का, अलग अलग है विजन, लेकिन हमें किसको पकड़ना है, आईसीआई को जरूर पकड़ के आएंगे। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं आपके साथ। दैट इज पर्पज ऑफ विजन। बहुत सिंपल है पर्पज ऑफ विजन, आपको एक बार पढ़ते के साथ क्लियर हो जाना है। तो सबसे पहले समझो कि आपका पर्पस में आपको सबसे पहले लिखना है डायरेक्शन। क्या लिखना है आपको? डायरेक्शन। तो डायरेक्शन देता है विजन। ये हम कहते हैं कि विजन हम बनाते क्यों हैं, तो विजन इसलिए बनता है क्योंकि हमें ये क्या देता है, डायरेक्शन देता है। डायरेक्शन किसकी देगा भाई? फ्यूचर की डायरेक्शन देगा। वही पहली वर्डिंग लिख देंगे, विजन प्रोवाइड अ रोड मैप टू कंपनीज फ्यूचर्स। विजन प्रोवाइड अ रोड मैप टू द कंपनीज फ्यूचर्स। क्लियर है कहानी? समझ में आया? ये पॉइंट हम बहुत बार एक्सप्लेन कर लिया अभी हमने। नेक्स्ट है, डायरेक्शन किसको देता है? हर एक ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर को डायरेक्शन देता है। क्यों देता है? सबसे पहले समझो, आपने दिमाग में रखा कि मेरा ये ऑब्जेक्टिव है, उस ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन ने कुछ सोचा है। जब तक आप उसे कम्युनिकेट नहीं करेंगे उन लोगों तक, तो वो आपकी मदद कैसे करेंगे कि आपका ऑब्जेक्टिव वो अचीव हो पाए, या फिर आप अपने जो डायरेक्शंस है या अपने टारगेट्स है उनकी तरफ आगे बढ़ पाए? नहीं है ना पॉसिबल। तो इसलिए कहते हैं कि आपका डायरेक्शन में सबसे पहले रोड मैप है कंपनी फ्यूचर्स का, और साथ में हर एक मेंबर को, ऑर्गेनाइजेशन के हर एक मेंबर को वो डायरेक्शन में देते हैं, यानी बताते हैं क्या कि हमारा क्या इच्छा है, फ्यूचर की पोजीशन, हम कहाँ पहुंचना चाहते हैं। जैसे ऐसे ही कहाँ पहुंचना चाहता है, तो हर एक मेंबर को उसको बताना होगा कि हम कहाँ पहुंचना चाहते हैं, तभी तो आपका विजन आप लेने में या आप अचीव करने में सक्सेस ले पाएंगे। क्लियर है कहानी यहाँ तक? चलिए नेक्स्ट है, नीड ऑफ चेंज। इसका मतलब क्या है? विजन का पर्पस है कि आपका हमेशा चेंज को आइडेंटिफाई करता है। इसका मतलब जरूरत जो चेंज की है उसको आइडेंटिफाई करने का काम भी कौन करता है? विजन करता है। क्यों? क्योंकि हमेशा चेंज आपका अनसर्टेन रहता है, क्योंकि वो फ्यूचर से रिलेटेड है। तो इसी कारण से हमेशा जो आपका विजन है, आप जो जरूरत रहती है चेंज की, उसको आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है। तो क्या लिखेंगे? इट आइडेंटिफाइज द नीड ऑफ चेंजिंग फ्रॉम करंट पोजिशन टू फ्यूचर पोजिशन। इसका मतलब जो मेरी आज की सिचुएशन है उसको मैं फ्यूचर की सिचुएशन में यदि मुझे चेंज करना है, तो मुझे हमेशा कुछ ना कुछ चीजों को डायरेक्ट करना भी पड़ेगा, और हमेशा मुझे ये पहले से ही पता है यदि मुझे अपनी पोजीशन को चेंज करना है, तो चेंज आया तो इसकी इम्पोर्टेंस भी मुझे समझ में आई। जब तक हम कुछ चेंज नहीं करेंगे तो हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो कहते हैं कि नीड फॉर चेंज या नीड ऑफ चेंज, इसका मीनिंग कि पर्पस ऑफ विजन में हमेशा विजन आपकी हेल्प करता है ताकि आप चेंज को आइडेंटिफाई कर सको। विजन, इट का मतलब विजन आइडेंटिफाइज द नीड ऑफ चेंजिंग फ्रॉम करंट पोजीशन टू फ्यूचर पोजीशन। ठीक है, नेक्स्ट है क्रिएटिविटी। यस, यदि विजन होगा, यदि आपने सोच जितनी आगे तक की रखी, उतने ही आपकी क्रिएटिविटी थिंकिंग बढ़ जाती है। आपकी छोट, कहते हैं ना, जितना लंबा सोचोगे, जितना अच्छा सोचोगे, जितना दूर का सोचोगे, आपका हमेशा टारगेट जितना बड़ा होगा तो आपकी पहुंच उतनी ही ज्यादा होगी।
आप छोटा सोचोगे, बहुत छोटा सोचोगे तो आपकी सोच उतनी ही रह जाएगी। तो इसलिए तभी कहते हैं कि हमेशा जितनी ज्यादा बड़ा विजन रखते हैं, आपकी क्रिएटिविटी, आपकी सोच बहुत बढ़ जाती है। आप आपकी नहीं, टॉप लेवल की नहीं, जिस जिसको आप कम्युनिकेट करेंगे वो आपकी सब हेल्प करेंगे उस विजन को अचीव करने में, तो सबकी क्रिएटिविटी भी बढ़ जाती है। तो बस ये पॉइंट लिखना है, तो देखो एक पॉइंट ही लिखने से हो जाएगा, क्यों हम 4 पॉइंट तो 5 पॉइंट तो वैसे ही पर्पज के लिख रहे हैं। पर्पज में फिर हमें मीनिंग भी लिखना होगा, उसका एग्जाम्पल भी पेपर में लिख के आएंगे, और 5 मार्क्स का हमारा क्वेश्चन है, तो इसके हिसाब से इतनी वर्डिंग सफिशियंट है, क्लियर है। और मैंने आपकी वर्डिंग में बार बार बोल रही हूँ कि मेरी तरफ से कोई भी वर्डिंग मैंने अपनी तरफ से नहीं लिखी है, सब चीजें आपके प्रैक्टिस मैनुअल को ध्यान में रख के, स्टडी मटेरियल को ध्यान में रख के ही बनाई गई है। तो विजन कहता है, प्रमोट करता है, विजन होने से क्रिएटिविटी हमेशा बढ़ती बढ़ती है, और सिर्फ टॉप लेवल की नहीं, इन एवरी मेंबर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। लास्ट पर्पस है आपका कंड्यूसिव एनवायरनमेंट, वी दिस इज अ वी। कंड्यूसिव एनवायरनमेंट कहता क्या है, यानी कि एनर्जेटिक मोटिवेटिंग एनवायरनमेंट हमेशा विजन क्रिएट करके देता है। क्यों? क्योंकि आपने जितना अच्छा सोचा है, बार बार आप उस फोकस को देखते हो, बार बार उस पॉइंट को आप अचीव करने की कोशिश करेंगे, तो अपने आप ही और सबके सब जो लोग आपसे जुड़े हैं वो भी हमेशा मोटिवेट होते रहेंगे, इंस्पायर होते रहेंगे, और अपने पूरे मैक्सिमम लेवल के वो एफर्ट डालेंगे ताकि वो विजन अचीव हो पाए। ठीक है, विजन को डेवलप करना इसलिए जरूरी है, तभी तो हम डायरेक्शन लेंगे। हमने कॉर्पोरेट स्ट्रेटेजी में किया था, जब विजन बनाया जाता है, यानी कि एक सोच कि मुझे कहाँ जाना है, व्हाट वी वांट टू बी इन अ फ्यूचर, व्हाट वी वांट टू बी, हमें फ्यूचर में क्या बनना है ये मैंने डिसाइड कर लिया है, दैट इज विजन। अब मैं मुझे क्या करना पड़ेगा, उसको टुकड़ों में तोड़ना पड़ेगा, जिसको हम बोलते क्या है, ऑब्जेक्टिव। ये हमने वर्डिंग कहाँ थोड़ी सी पढ़ी थी, हमने कॉर्पोरेट स्ट्रेटेजी के अंदर बोली थी, और मैंने ये बोला था कि ये जब हम विजन पढ़ेंगे तो डिटेल में विजन का टॉपिक, ऑब्जेक्टिव का डिटेल में जब पढ़ेंगे तो ऑब्जेक्टिव का डिटेल में हम पढ़ेंगे। तो अभी हम विजन पढ़ रहे हैं, तो विजन की सारी डिटेल डिस्कशन हम यहीं पर करेंगे। तो देखिए क्या लिखना है, कंड्यूसिव एनवायरमेंट के अंदर, विजन क्रिएट्स एन एनर्जेटिक एंड मोटिवेटिंग एनवायरमेंट वेयर, जहां एवरी मेंबर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पुट देयर फुल यानी कि मैक्सिमम एफर्ट्स टू अचीव ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव। क्योंकि विजन को डायरेक्ट नहीं कर सकते, अचीव एकदम से नहीं किया जा सकता है, हमेशा उसको टुकड़ों में तोड़ के रखा जाएगा। जैसे मान के चलो आप एग्जाम्पल ले लेते हो कि आप ये सोचते हो, आपकी थिंकिंग यहाँ तक तो जाती है कि मुझे एक दिन इंडिया का प्राइम मिनिस्टर बनना है, तो उसके उसको बनने का जो तरीका होगा उसको आपको टुकड़ों में तोड़ना है, दैट इज कॉल्ड द छोटे छोटे ऑब्जेक्टिव बन जाएंगे। अब इस ऑब्जेक्टिव को अचीव करना है तो आपको फुल एफर्ट डालने होंगे, तो उसके लिए फुल एफर्ट जब क्यों डलेगा, जब सब आपके क्या होंगे, मोटिवेट होंगे। और कौन मोटिवेट कर रहा है, यही आपका जो टारगेट है कि नहीं मुझे तो पीएम बनना ही है, नहीं मुझे तो पीएम बनना ही है, ये बार बार सोच जब दिमाग में चलेगी तो ये अपने आप ही आपको भी और आपसे जुड़े हुए जितने भी लोग होंगे उनको भी वो मोटिवेट करेगा। तो ये लेमैन की लैंग्वेज में मैंने आपको समझाया। इसी तरीके से ऑर्गेनाइजेशन में भी जब एक फोकस हम एक टारगेट रख देते हैं, उसी तरीके से हर एक व्यक्ति जो ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ा हुआ है वो अपना फुल मैक्सिमम एफर्ट पर काम करता है। हम ये डिस्कशन अभी आगे करेंगे, आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा, यदि कोई ऑर्गेनाइजेशन का कोई भी एम्प्लॉई फुल एफर्ट से काम ना करे तो, है ना। तो इस तरीके के क्वेश्चन हमारे प्रैक्टिस मैनुअल में भी है, और हम क्वेश्चन आगे क्लियर करेंगे। एक्स्ट्रा क्वेश्चन के अंदर हमने ये क्वेश्चन सारे ले रखे हैं, अभी मैं आपको जो टॉपिक चल रहा है उसी से रिलेटेड क्वेश्चन करवाती जा रही हूँ, ताकि हमारा टॉपिक वाइज क्लियर होता जाए। यदि क्वेश्चन पर्पज ऑफ विजन आता है तो जो आपको स्क्रीन पर 4 पॉइंट दिख रहे हैं, यही 4 पॉइंट आप लिख के आएंगे, इसके अंदर जितनी वर्डिंग दे रखी है उतना लिख के आएंगे। यकीन मानो पूरा स्टडी मैट, पूरा प्रैक्टिस मैनुअल के अंदर मैक्सिमम लेवल पे जितनी कवरेज होनी चाहिए थी वो सब डाल दी गई है, इससे प्रेजेंटेशन बहुत बेटर होगी। एक बार जिस स्टूडेंट्स को विश्वास नहीं है वो 15 मिनट निकाल कर एक बार वेरीफाई कर लेंगे, जिससे आपको खुद ही विश्वास हो जाएगा कि एक्चुअल में क्या हमारे टॉपिक अच्छे से कवर है, क्या हमने वही वर्डिंग इस सामने वाले जो नोटिंग में लिखा है क्या वही है क्या। इससे आपको कॉन्फिडेंस अपने आप ही बढ़ जाना है। क्यों? क्योंकि हमारे लिए आईसीआई का स्टडी मटेरियल ही माई बाप है, राइट। यदि उसका मैटर हमने डाल लिया तो हमें क्वेश्चन मार्क लगाने की जरूरत ही नहीं है कि आपने ये मैटर कहाँ से लिया है, आप ये लिखेंगे तो नंबर मिल जाएंगे क्या, तो ये सब क्वेश्चन हमारे लिए खत्म हो जाते हैं। तो हमने विजन कर लिया है, फीचर्स भी कर लिया, एक एग्जाम्पल लिया है, बाकी एग्जाम्पल हम लेंगे एक्स्ट्रा क्वेश्चन के अंदर। पर्पज ऑफ विजन भी हम कंप्लीट कर चुके हैं, अब हमारे पास क्वेश्चन आता है, दैट इज एलिमेंट्स ऑफ स्ट्रेटेजिक विजन, या सिंपल विजन आ जाए या स्ट्रेटेजिक विजन आ जाए, या फिर एक क्वेश्चन और बन के आ सकता है पेपर में, हाउ अ विजन सेट।
आप विजन कैसे सेट करते हो? और फाइनली वो क्वेश्चन आया, मैंने बोला विजन का मतलब रोड मैप है कंपनी फ्यूचर का। आप जितनी लंबी सोच रख सकते हो उस सोच को आप अपने एक नाम से बोल देंगे, दैट इज कॉल्ड द विजन। तो विजन क्या, आप कुछ भी, जैसे मैंने बोला कि हम एक दिन पीएम बनेंगे, तो कुछ भी थोड़ी ना विजन हो सकता है। तो वो विजन आप जब सेट करते हैं तो किन बातों को ध्यान में रख के सेट करते हैं वो हमें पहले देखना है। तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है, तो मैंने लिख भी रखा है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। तो एलिमेंट्स के नाम से क्वेश्चन आए या हाउ अ विजन सेट आए, तो आपको लिखना कैसे है वर्डिंग, सबसे पहले वही विजन का इंट्रोडक्शन थोड़ा बहुत डालेंगे एंड देन फिर उसका मीनिंग डालेंगे, ठीक है, फिर एक एग्जाम्पल देंगे एंड देन फिर उसके फीचर्स लिखेंगे। तो ये लिखना जरूरी है, यस बिल्कुल लिखना जरूरी है, डायरेक्ट मत हो जाना कि तो 5 नंबर क्वेश्चन है, इसमें 3 वर्डिंग दे रहे हैं, दो दो लाइन डाल देंगे तो अपने आप दे देंगे। आप डिसाइड नहीं करेंगे कि जो एग्जामिनर है वो कितने लिखने से आपको नंबर देगा, आपको मैक्सिमम लेवल पे अपना लिख के आना होता है। सामने वाले को कैसे बताओगे कि आपने कितना पढ़ रखा है, एक शीट ही तो है जो 3 घंटे में आपकी वो एग्जामिनर टेस्ट करता है कि आपने कितना पढ़ाई कर रखी है, राइट। तो विजन के अंदर जब भी ऐसा टॉपिक आता है तो आपको मीनिंग एग्जाम्पल और फीचर्स डाल के एंड देन फिर जो मांगा है उस पर लिखेंगे कि एलिमेंट्स, क्योंकि इसका एक इंट्रोडक्शन बताना जरूरी है भाई, बिल्कुल बताना जरूरी है। विजन का मीनिंग नहीं दोगे और सीधा एलिमेंट स्टार्ट कर देंगे तो नंबर कोई नहीं देने वाला। तो विजन के फिर एलिमेंट्स के अंदर चार्ट बनाएंगे, ये इस तरीके से बना सकते हो, थोड़ा डेकोरेट करने के लिए बादल टाइप का बना देना, सब चलेगा, बिल्कुल चलेगा, ठीक है। तो देर आर 3 एलिमेंट्स, पहले एलिमेंट है मिशन स्टेटमेंट। मिशन का कंसेप्ट बहुत लेंथी है हमारा, हम इसी से विजन कंप्लीट होने के बाद मिशन ही कंप्लीट करेंगे आपके साथ, लेकिन अभी जरूरी है क्योंकि मिशन स्टेटमेंट आया है। तो मिशन का मीनिंग क्या है कि आज करंट में हम क्या है, हमारी करंट पोजीशन क्या है, वो मिशन स्टेटमेंट या मिशन कहलाती है। कहता है फिर विजन और मिशन में डिफरेंस क्या हो गया, यदि मैं अभी लूं जितना मैंने समझाया उसमें एक वर्डिंग के अंदर, मुझे यदि विजन में और मिशन में वर्डिंग में समझना है डिफरेंस, तो ये हमेशा फ्यूचर से रिलेटेड है और ये हमेशा हमारी करंट की पोजीशन से रिलेटेड है, ठीक है। सबसे बड़ा डिफरेंस तो यही है, ये हमेशा फ्यूचर से रिलेटेड होगा विजन, और मिशन होगा कि हम आज कहाँ हैं, आज की बात करता है मिशन हमेशा। तो ये कहता था व्हाट वी वांट टू बी, व्हाट वी वांट टू बी, और ये कहता है व्हाट वी आर, ठीक है, या हु वी आर कह सकते हो, हम कहाँ हैं तो वेयर वी आर नाउ, वेयर वी आर नाउ, ये सब यानी करंट की पोजिशन को बताना मिशन कहलाता है, डिटेल के अंदर मिशन के टॉपिक में। लेकिन अभी हमने जब विजन का एक नंबर लिया तो साथ साथ में डिफरेंस भी करते जाओ, विजन इज रिलेटेड टू द फ्यूचर एंड मिशन इज रिलेटेड टू द करंट पोजिशन। विजन डिफाइंस वट वी वॉन्ट टू बी एंड मिशन स्टेट्स हु वी आर, या आप कह सकते हो वेयर वी आर नाउ, ओके देन। तो आपको क्लियर हुआ कि विजन एंड मिशन के अंदर सिंपल में डिफरेंस क्या है, बहुत डिटेल में करने जाएंगे जब दोनों के दोनों टॉपिक हमारे कंप्लीट हो जाएगा, अच्छा टॉपिक लेंगे, यदि डिफरेंस आता है तो अटेम्प्टेशन भी मैं सिखाऊंगी कि पेपर में आपको कैसे अटेम्प्ट करके आना है। तो यहाँ 3 एलिमेंट में सबसे पहला मिशन स्टेटमेंट जो मैंने आपको डिस्कस कर दिया, देख लो एक बार कैसे लिखना हमें मिशन को। सबसे पहले इट डिफाइंस करंट पोजिशन, पहली वर्डिंग, इसका मतलब दैट इज का मतलब इसको एक्सप्लेन हमें करना है, हु वी आर एंड वेयर वी आर नाउ, आज हम कहाँ हैं उसको देखना। अब पीएम बनना है तो आपका पॉलिटिकल पार्टी से कोई कनेक्शन तो होना चाहिए, आप कहते नहीं मैं तो बिल्कुल बहुत आम इंसान हूँ, मेरा कोई कनेक्शन नहीं है लेकिन मुझे फिर भी पीएम बनना है। तो आपको पहले आज की करंट की सिचुएशन आपको पहचाननी है कि मैं कहाँ हूँ, ठीक। अब आप कहते हो कि नहीं मुझे सीए को फर्स्ट अटेम्प्ट के अंदर मुझे क्लियर करना है, और आपने अभी तक अच्छे से तैयारी या 3 टाइम्स रिविजन आपने की ही नहीं है, अभी अभी आपका सिलेबस कंप्लीट हुआ ही नहीं है, तो इस पोजीशन को कैसे आप फर्स्ट अटेम्प्ट में या रैंक लेने की कोशिश कर रहे हो या सोच रहे हो, तो कैसे आएगा, ठीक है। वर्डिंग क्लियर हुई कि मिशन मतलब आज आप कहाँ हो, विजन क्या कहता है कि फ्यूचर में आप कहाँ जाना चाहते हो, क्या बनना चाहते हो, दोनों अलग अलग हैं, फ्यूचर से रिलेटेड विजन और करंट सिचुएशन से रिलेटेड दैट इज मिशन। तो विजन मुझे यदि सेट करना है तो सबसे पहले मुझे आज की अपनी एक्चुअल में सिचुएशन देखनी पड़ेगी। कहते हैं ना हमारे पेरेंट्स हमेशा बोलते हैं जमीन को देखकर, मतलब आसमान में मत उड़ो, जमीन पर अपने पैर रख लो, ये वर्डिंग उसी तरीके से है। हम आसमान के बारे में सोचते हैं दैट इज विजन, और जब हम अपनी हकीकत को देखते हैं कि हम कहाँ हैं दैट इज कॉल्ड द मिशन। तो जब भी मैं विजन अपना क्रिएट करूंगी तो ऐसे हवाई किले नहीं बनाने हैं,
हवाई किले बनाने के लिए कुछ तो फैक्ट्स होने चाहिए। तो उसके लिए फैक्ट्स का मतलब है तीन एलिमेंट। सबसे पहले हम देखेंगे मिशन स्टेटमेंट कि हम कहाँ एग्जिस्ट करते हैं, हम कहाँ पर हैं, ठीक है। नेक्स्ट है फिर चॉइसेस फॉर लॉन्ग टर्म पाथ। अब ये लॉन्ग टर्म पाथ क्या है, मिशन स्टेटमेंट के बेस पर। ध्यान सुनना क्या कह रही हूँ मैं, लॉन्ग टर्म पाथ डिसाइड करना है लेकिन किसके बेस पे, ऑन द बेसिस ऑफ मिशन, यानी कि अपनी करंट सिचुएशन के बेस पर अपना आगे का डिसीजन लेना। आज की सिचुएशन को देख के आगे जाना है, ये नहीं कि मैंने सोचा है इसलिए। नो, आपके आज की सिचुएशन क्या है उसको देख कर आपको अपने आगे का रास्ता सेट करना है। तो ऑन द बेसिस ऑफ मिशन स्टेटमेंट चॉइसेस फॉर लॉन्ग टर्म पाथ आर प्रिडिक्टेड इन टर्म्स ऑफ वेयर वी आर गोइंग, कि फ्यूचर में मुझे कहाँ जाना है। आज की सिचुएशन को देख कर हमें रियलिटी में रहकर फोकस करना है कि मेरे लिए लॉन्ग टर्म के अंदर क्या चॉइसेस हैं, उन्हीं चॉइसेस को हमें देखना सेकंड पॉइंट में है। जब हमने मिशन आज की सिचुएशन देख ली, मेरे पास क्या चॉइसेस हैं आगे इस सिचुएशन के अंदर, वो भी मैंने देख लिया। जब हम ये दो बात कर लेंगे, तीसरी सबसे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि अपने तक नहीं रखना है उसको। यदि अपने मन में रख लिया तो वो वहीं की वहीं रह जाएगा, आगे नहीं बढ़ पाएगा, और सक्सेस यानी कि अचीव करना तो इम्पॉसिबल है ही। इसलिए थर्ड पॉइंट में आता है कि आपको क्या करना है, वो कम्युनिकेट करना है। तो आपको पूरा ऑर्गेनाइजेशन, जितनी आपकी इंटायर ऑर्गेनाइजेशन है उसमें पूरी अच्छे तरीके से हर मेंबर को पता होना चाहिए कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन का क्या विजन है। दैट मींस फ्यूचर के अंदर आप कहाँ तक जाना चाहती है आपकी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक। तो पहला मिशन था कि आप कहाँ हो आज, करंट सिचुएशन में क्या है। करंट सिचुएशन को देख कर ही, मिशन स्टेटमेंट को देख कर ही आपको अपना आगे का जो पाथ है, आगे का जो लॉन्ग टर्म का पाथ है उसकी च्वाइस रखनी है। प्रैक्टिकल हो ऐसा चॉइस रखना है। और लास्ट है कि आपको हमेशा विजन आपको प्रॉपरली कम्युनिकेट करना है टू द इंटायर ऑर्गेनाइजेशन, अपनी पूरी ऑर्गेनाइजेशन को। आपको अपना जो विजन है आपको क्या करना है, वो कम्युनिकेट करना है। तो यहाँ पर हमारे सभी रिलेटेड क्वेश्चंस हो गए आपके, जो मेन में थे। हमने मीनिंग, फीचर्स, एग्जाम्पल, पर्पज और एलिमेंट सब कंप्लीट कर लिए हैं। अब हमारे पास रहते हैं आपके साथ कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस, जिन एक्स्ट्रा क्वेश्चंस को हम आपके साथ नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे।